स्वागत है आप सभी का शर्मा चैनल में आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 राष्ट्रीय शिक्षा नीति इससे पहले भी हम एजुकेशन के अदर कमीशन डिस्कस कर चुके हैं लाइक like हमने कोठारी कमीशन कमीशन मुदालियर कमिशन ये डिस्कस कर लिया है डिस्क्रिप्शन में लिंक है आप चाहो तो गो थ्रू कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जिसको हम शॉर्ट में एनईपी नाइनटीन भी कह सकते हैं सो फर्स्ट पॉइंट है so, राजीव गांधी प्रधानमंत्री के इंटरव्यूज होते हैं उनको रेडियो या फिर टेलीविजन पर टेलीकास्ट किया जाता है तो इन द सेंस हम उसको ब्रॉडकास्ट कहेंगे तो उन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का जिक्र किया था ऑन जनवरी फाइव नाइन में और मई 1985 में क्या होता है जो राजीव गांधी थे उन्हीं के पे बेस एक आप बोल सकते हो article published किया था जिसको नाम दिया गया चैलेंज ऑफ एजुकेशन पॉलिसी नेक्स्ट पॉइंट है अप्रैल अ नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन वाज प्लेस्ड बिफोर द इंडियन पार्लियामेंट फॉर कंसीडरेशन एंड अप्रूवल एंड इट वॉज पासमेंट इटली पार्लियामेंट में इसको पेश किया गया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को और फाइनली अगस्त में इसको कर दिया गया और इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए पब्लिश कर दिया गया नेक्स्ट है क्या थे क्यों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी को लेकर आया गया तो इसके जो मेन एजेंडा था वो था न्यू एजुकेशन

नेक्स्ट है इट एम टू नेशनल नेशनल प्रोग्रेस प्रोग्रेस को करके इस एजुकेशन पॉलिसी को लाया गया था कि हम बच्चों को इस तरह की एजुकेशन देंगे इस तरह का अपना एजुकेशन स्ट्रक्चर बनाएंगे नेशन का जिससे नेशनल प्रोग्रेस भी हो एंड अ सेंस ऑफ कॉमन सिटीजनशिप एंड कल्चर एंड टू स्ट्रेथन नेशनल इंटीग्रेशन जो राष्ट्रीय हित है उनको बढ़ावा मिले और राष्ट्रीय एकता को भी हम कंक्लूड करते हुए यहाँ पर चलेंगे तो ये था इसके मेन ऑब्जेक्टिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के 1986 में नेक्स्ट है रिकमेंडेशन फीचर्स एंड ओवरव्यू क्या थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 को पब्लिश किया गया तो उसमें ऑलमोस्ट टेन थाउजेंड वर्ड्स थे जो कि पेजेस की पॉलिसी थी एंड इसको ट्वेल्व पार्ट्स में डिवाइड किया गया जिसमें वन फिफ्टी सेवन आर्टिकल्स इंक्लूड थे तो कौन कौन से ट्वेल्व पार्ट्स में इसको डिस्क्राइब किया यहाँ पर डिस्कस किया तो हम उसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे एंड इन ट्वेल्व पार्ट्स में क्या क्या बताया गया कौन कौन से प्रोविजन थे इनको डिस्कस करेंगे तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हो कौन कौन से ट्वेल्व पार्ट थे जैसे फर्स्ट में इंट्रोडक्शन दिया गया कि है education. Education का क्या रोल रहने वाला है अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी फॉर इक्वालिटी की बात की नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन की बात की रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स डिफरेंट स्टेजेस यानी यहाँ पर ट्वेल्व पार्ट को डिस्क्राइब किया जो की कि अभी हम वन बाय इन डिटेल डिस्कस करेंगे फर्स्ट पार्ट था जिसमें इंट्रोडक्शन के बारे में बताया गया था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सो so, इसका फर्स्ट सब पार्ट है सोशो कल्चर आइडेंटिटी यानी आप ऐसी एजुकेशन लाने वाले हो जहां पर जो स्टूडेंट है जो नेशन है उसके लिए वेल्यू जनरेट की जा सके और बच्चों में सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान उत्पन्न हो पाए एजुकेशन इज द ओनली फिनोमिना रिस्पॉन्सिबल फॉर डेवलपमेंट Now it is necessary for the man to maintain the status of social and cultural identity. यानी yani, जब आप education की बात करते हो तो students को इस तरह की education दी जाए कि जिससे उनका social and cultural identity का भी development हो. Next था economic and technical development. यहाँ पर economic and technical development की भी बात की, like आर्थिक और तकनीकी विकास की भी बात की. It is necessity utilization of energy. जो हमारे पास sources है energy है उसको कैसे हम utilization कर सकते हैं. बट इट इज ओनली पॉसिबल इफ पीपल आर एजुकेटेड तो ये सब किस से पॉसिबल हो सकता है विद हेल्प ऑफ एजुकेशन नेक्स्ट पॉइंट है कॉम्प्रीहेंसिव अप्रेजल यानी व्यापक मूल्यांकन यानी जो मूल्यांकन हम करते हैं इवेलुएशन करते हैं तो उसका सिर्फ एक ही पॉइंट ना हो यानी कि आप पेन पेपर तक ही सीमित ना रहे आपका जो इवेलुएशन प्रोसेस होगा वो कॉम्प्रिहेंसिव होगा यानी इन डिटेल होगा जिसमें आप ऑलराउंड डेवलपमेंट को इंक्लूड करोगे तो ये था नेशनल एजुकेशन का फर्स्ट पार्ट जो कि था इंट्रोडक्ट्री यानी कि जो उसकी एक भूमिका बताई गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में सेकेंड पार्ट है एसेंस एंड रोल ऑफ एजुकेशन शिक्षा का सार और भूमिका पर फर्स्ट पॉइंट है एजुकेशन फॉर ऑल सभी के लिए शिक्षा की बात की गई इन आर नेशन परसेप्शन एजुकेशन इज एसेंशियल इम्पॉर्टेंट फॉर ऑल यानी जो एजुकेशन थी वो सभी के लिए मैंडेटरी की गई एसेंशियल थी दिस इज फंडामेंटल टू आर राउंड डेवलपमेंट हमारे ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए एजुकेशन मैंडेटरी मानी जाती है फंडामेंटल मानी जाती है नेक्स्ट है अकल्चरेटिंग रोल अकल्चरेटिंग का मतलब होता है संस्कारित करने वाली भूमिका संस्कृत करने वाली भूमिका लाइक like हम बोल सकते हैं कि जो एजुकेशन हमको संस्कार देती है हमारे कल्चर को वैल्यू प्रोवाइड करती है और जो हमारे नेशन डेवलपमेंट में हेल्प करती है उस तरह की एजुकेशन हम स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें नेक्स्ट है मैन पावर डेवलपमेंट ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करना स्टूडेंट्स को जिससे जन शक्ति विकास यानी कि मैन पावर का डेवलपमेंट हो जब हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सिर्फ वही बात है कि एजुकेशन आपकी बुक्स तक ही लिमिट ना रहे बल्कि हम स्टूडेंट्स को इस तरह की एजुकेशन दें कि वो डिफरेंट लेवल पर इकोनॉमी ग्रोथ को डेवलप कर सके नेशन के लिए अपना योगदान दे पाए तो इस तरह एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स की बात की गई शिक्षा की थर्ड पार्ट है नेशनल स्ट्रक्चर ऑफ एजुकेशन राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली जो नेशनल स्ट्रक्चर था एजुकेशन का लाइक like हम जिसको बोलते हैं टेन प्लस टू प्लस थ्री का स्ट्रक्चर तो इस तरह के स्ट्रक्चर की बात की आज भी हम 2024 की बात करें तो आज भी हम जो कोठारी कमीशन ने सबसे पहले स्ट्रक्चर की बात की थी टेन प्लस टू प्लस थ्री की आज भी हम उसी पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं

आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव ना हो भले ही वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करता हो किसी भी क्रीड़ यानी जाति धर्म लिंग वंश किसी भी से बिलोंग करता हो नो no मैटर सभी को इक्वल रूप से एजुकेशन प्रोवाइड की जाए नेक्स्ट है कॉमन स्ट्रक्चर एक कॉमन स्ट्रक्चर की बात की जो पूरे देश में पूरे नेशन में इक्वली लागू होगा लाइक like यहाँ पर क्या बात की गई कॉमन एजुकेशनल स्ट्रक्चर दैट इज टेन प्लस टू प्लस थ्री

नेक्स्ट स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान थे उसको मजबूत करना यानी जो नेशनल लेवल पर जो हम इंस्टीट्यूट बोल सकते हैं लाइक हमारी जो यूजीसी है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है तो इन सभी को आप स्ट्रेंथनिंग करते हो इनको मजबूत करने के लिए भी प्रयास किए गए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी नाइनटीन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के फोर्थ पार्ट में डिस्कस किया गया एजुकेशन फॉर इक्वेलिटी समानता के लिए शिक्षा की बात की गई फोर्थ पार्ट में जिसमें कुछ सब पॉइंट्स थे लाइक एजुकेशन फॉर वुमेन्स इक्वालिटी बिकॉज यहाँ पर हमने इक्वालिटी की बात की तो जितने भी इकोनॉमिक रूप से या फिर हम बोले कास्ट बेस पर जितनी भी डिस्क्रिमिनेशन हुआ करते थे उन सभी को खत्म करके इक्वालिटी की बात की गई फर्स्ट है एजुकेशन फॉर वुमेन इक्वालिटी वुमेन इक्वालिटी के लिए बात की गई यहाँ पर एजुकेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स तो सभी के लिए यहाँ पर एजुकेशन की बात की भले ही वो माइनॉरिटीज हो अल्पसंख्यक हो हैंडी हो यानी जो विकलांग होते हैं उनके लिए भी एजुकेशन की बात की स्पेशल पॉइंट्स में आप देख सकते हो लाइक यहाँ पर एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद मोटर हैंडीकैप जो मोटर हैंडीकैप होते हैं यानी जिनको चलने फिरने में प्रॉब्लम होती है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल एजुकेशन की बात की गई प्रोविजन ऑफ स्पेशल स्कूल्स विद हॉस्टल एंड डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स यानी जो स्पेशल चिल्ड्रेस होते हैं जो हैंडीकैप स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए स्पेशल स्कूल्स की बात की गई प्लस उनके लिए हॉस्टल की बात की गई वोकेशनल ट्रेनिंग ऑफ डिसेबल्ड जो डिसेबल्ड बच्चे होते हैं स्पेशल बच्चे होते हैं उनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग की बात की जिससे वो कुछ ना कुछ अर्न कर पाए अपनी लाइफ में नेक्स्ट पॉइंट है एडल्ट एंड कंटिन्यूइंग एजुकेशन जो वयस्क लोग हैं उनके लिए भी एजुकेशन की बात की गई तो ये था एजुकेशन फॉर इक्वालिटी यानी यहां पर छोटे से लेकर बड़े लेवल तक सभी के लिए एजुकेशन की बात की गई भले ही वो प्राइमरी लेवल हो या एडल्ट हम एडल्ट एजुकेशन की बात करते हैं तो स्मॉल टू बिग सभी लेवल्स की यहाँ पर बात की गई न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 नेक्स्ट पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स यानी विभिन्न स्तरों पर शिक्षा की बात की गई फर्स्ट पॉइंट है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन यानी जिसको हम आजकल प्ले स्कूल बोल दिया करते हैं या बच्चे की बिल्कुल फाउंडेशनल कोर्स कह देते हैं तो उस टाइम पर ये सब ना होकर हमने ईसीसी की बात की थी आज भी वैसे ईसीसी सी है सो ई सी का मतलब जैसे हम आंगनवाड़ी बोल दिया करते हैं तो इस लेवल पर बच्चों को फाउंडेशन कोर्स कराना तो उसके लिए क्या किया गया एनईपी गिव्स इट रिकमेंडेशन फ्रॉम द पीरियड ऑफ अर्ली चाइल्डहुड लाइक उन्होंने क्या करा डे केयर सेंटर्स ओपन किए पूरे देश में ऑल ओवर कंट्री Add suitable wages. Wages का मतलब होता है वेतन, यानी जो आंगनबाड़ी दोगे, दोगे. आंगन तो आंगन सेंटर खोले जाए सेकेंड आता है प्राइमरी या एलिमेंट्री एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन पर भी फोकस किया गया बिकॉज यहाँ पर हम डिफरेंट लेवल्स की बात कर रहे हैं कि एजुकेशन को किस तरह से डिफरेंट लेवल पर इम्प्लीमेंट किया जाएगा सो फर्स्ट है यूनिवर्सल एनरोलमेंट एंड यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू ऑफ एज पर एनरोलमेंट यानी जो बच्चे हैं उन सभी का एनरोलमेंट किया जाए स्कूल में रिटेंशन का मतलब होता है कि जिन बच्चों ने स्कूल में एनरोल करा लिया है उनको स्कूल में बुलाया जाए किसी ना किसी तरह की कि उनको फैसिलिटीज दी जाए तो बच्चों का जो है स्कूल से नाम कटने की भी इससे जो प्रोसेस है वो कम होगा नेक्स्ट है असबस्टेंशियल इंप्रूवमेंट इन द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन इक्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात की जिसमें किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं होगा और सभी को इक्वल एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी नेक्स्ट है एजुकेशन एट डिफरेंट लेवल्स में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की भी बात की गई ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब था कि जो स्कूल्स हैं वहां पर टीचर को टीच करने के लिए कुछ ना कुछ टीचिंग लर्निंग मटेरियल की जरूरत होती है जैसे टीचर को बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है चौक की या फिर हम बोले मान लीजिए आपको स्टूडेंट्स को कोई वर्किंग मॉडल दिखाना है आप उनको ग्लोब पढ़ा रहे हो तो ग्लोब की रिक्वायरमेंट होती है तो इन सभी का अरेंजमेंट करने के लिए एक ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड लाया गया जहां पर टीचर्स को स्टूडेंट्स को टीच करने के लिए टीचिंग लर्निंग मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं पर वो भी हम टीच करते हैं कुछ गेम्स मटेरियल होते हैं वो भी अवेलेबल करवाए जाएंगे स्कूल में ब्लैक बोर्ड की रिक्वायरमेंट होती है मैप्स की चार्ट की एंड जो अदर लर्निंग मटीरियल्स होते हैं उनको प्रोवाइड कराया जाएगा स्कूल में नेक्स्ट आता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन ना हो यानी कि बच्चे सिर्फ किताबों तक ही सीमित ना रहे बच्चों को हम लाइब्रेरीज में ले जाए लैब्स में ले जाए प्ले ग्राउंड में खिलाएं तो इस तरह के नॉन फॉर्मल एजुकेशन को भी एजुकेशन का पार्ट समझा जाए और उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाए

प्रोडक्टिव वर्क इन स्कूल करिकुलट सेकेंडरी लेवल यानी स्पेशली सेकेंडरी लेवल पर सेकेंडरी लेवल नाइन्थ क्लास से स्टार्ट हो जाता है नाइन्थ स्टैंडर्ड से आपने सुना भी होगा या फिर आपके साथ मतलब भी किया होगा जब हम नाइन्थ स्टैंडर्ड में होते हैं हमको कुछ सब्जेक्ट दिए जाते हैं चूज करने के लिए जिसमे आप देखते होम साइंस होता है आपका संस्कृत होता है फिजिकल एजुकेशन होता है तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो वोकेशनल एजुकेशन का पार्ट होते हैं जिससे आपको इन फ्यूचर जा

इससे क्या बेनिफिट होगा जो ऑटोनोमस कॉलेज हैं उनकी संख्या बढ़ेगी एंड ऑटोनोमस डिपार्टमेंट स्टेब्लिश होंगे यूनिवर्सिटीज के अंदर नेक्स्ट आता है सिक्स पार्ट सिक्स पार्ट में बात की गई टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन की तकनीकी और प्रबंधन शिक्षा यानी कि हम ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए जो जिसमें बच्चे टेक्निकल यूज कर पाए टेक्निकल एजुकेशन गेन कर पाए लाइक यहाँ पर टेक्निकल एजुकेशन सिस्टम की बात की डिस्टेंस एजुकेशन की बात की बिकॉज जब हम डिस्टेंस एजुकेशन की बात करते हैं तो उसके लिए जो आपके पास बुक्स होते हैं नोट्स होते हैं या फिर हम ऑनलाइन एजुकेशन की बात करें तो वो टेक्निकल एजुकेशन से ही पॉसिबल हो सकता था कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें और इनोवेटिव रिसर्च इन सभी को इंक्लूड किया गया टेक्निकल एंड मैनेजमेंट एजुकेशन के अंदर नेक्स्ट मेकिंग द सिस्टम सिस्टम वर्क को कार्यशील बनाना प्रॉपर लर्निंग एनवायरनमेंट शुड बी बिल्ड अप इन मेकिंग द सिस्टम वर्क यानी कि जिस एजुकेशन में जिस एनवायरमेंट में आप बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हो तो उस एजुकेशन का डेवलपमेंट करना भी एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट वर्क है नेक्स्ट है एथ पार्ट में बताया गया रीओरियंटिंग द कंटेंट एंड प्रोसेस ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा की सामग्री और प्रक्रिया को पुनः उन्मुख बनाना यानी आप किस तरह से एजुकेशन का रीयूटिलाईजेशन कर सकते हो उसको रीओरियंट कर सकते हो जिसके लिए साइंस एजुकेशन पर फोकस किया गया हम स्पोर्ट्स एंड स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन की बात की करें इम्प्रूवमेंट ऑफ लाइब्रेरीज लाइब्रेरीज का इम्प्रूवमेंट किया गया बच्चों को वैल्यू एजुकेशन देने की बात की गई एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्वान्टिटी बुक्स यहाँ पर बुक्स का इम्प्रूवमेंट किया गया जो एनसीआर की बुक होती है टेक्स्ट बुक होती है कैसे उसको इम्प्रूव किया जा सके जिससे एजुकेशन में हेल्प लें स्टूडेंट्स को एंड नाइन्थ पार्ट यहाँ पर टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन की बात की कि किस तरह से टीचर्स हो उनको कैसे आप स्किल्स प्रोवाइड कर सकते हो उनको ट्रेनिंग कैसे प्रोवाइड करनी है तो यहाँ पर टीचर एंड टीचर एजुकेशन के लिए भी एक पार्ट स्पेशली बनाया गया जिसमें उनके एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की बात की गई नेक्स्ट आता है टेंथ पार्ट यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ एजुकेशन की बात की यानी कि नेशनल लेवल पर आपको कैसे एजुकेशन इंप्लीमेंट करनी है स्टेट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर लोकल लेवल जहां पर हम पंचायत की बात करें विलेज की बात करें तो कैसे आपको हर एक लेवल पर एजुकेशन का मैनेजमेंट करना है इसकी भी बात की गई नेक्स्ट है रिसोर्सेज एंड रिव्यू यहाँ पर ये पॉइंट मैंने डिस्क्राइब नहीं किए हैं मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी डिटेल नोट्स का इससे भी ज्यादा डिटेल नोट्स आपको मिल जाएंगे आप चाहो तो वहां से वो नोट्स डाउनलोड करके अपने यूज में ला सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगी नोट्स का नेक्स्ट है रिसोर्सेज एंड रिव्यू यानी कि संसाधन और समीक्षा यानी कि आपने एजुकेशन के लिए बहुत सारी नीतियाँ बना दी आपने बहुत सारे प्रोविजंस तो कर दिए एजुकेशन के लिए लेकिन उसके लिए रिसोर्स कहाँ कहाँ से लाओगे आप कहाँ से फंड्स कलेक्ट करोगे कैसे उसका रिव्यू करोगे कि एजुकेशन में कितनी प्रोग्रेस हो रही है कितने फंड के अकॉर्डिंग आपने किस तरह से डेवलपमेंट किया है तो इसके ऊपर भी बात की गई नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में इन्वेस्टमेंट ऑन एजुकेशन विल बी ग्रेजुअली इंक्रीज सिक्स परसेंट ऑफ द नेशनल इनकम एज अर्ली एज पॉसिबल यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बात कही गई कि हम एजुकेशन पर जो हमारा फंड होता है नेशन का उसका सिक्स परसेंट हम पे करेंगे या फिर इन्वेस्ट करेंगे For this purpose, the sources have been enlisted. तो इसके लिए इस तरह के इंक्लूड किया गया नेक्स्ट है फ्यूचर न्यू एजुकेशन पॉलिसी की अच्छी बात यह भी थी कि फ्यूचर पर भी फोकस किया कि ठीक है हमने ये पॉलिसी बनाई है फ्यूचर में किस तरह से हम एजुकेशन को रखने वाले हैं किन-किन पर हम देंगे, इन सभी का भी यहाँ पर discussion किया गया, तो ये थी National Education policy, जो मेरिट्स ऑफ द पॉलिसी 1986 यानी जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसके क्या क्या मेरिट्स थे हमने इतनी सारी रिकमेंडेशन डिस्कस की हमने 12 पार्ट्स डिस्कस कर लिए उसके भी कई सारे सब पॉइंट्स डिस्कस किए आपने खुद से भी आप लगा सकते हो आइडिया के क्या क्या बेनिफिट्स रहे कितने अच्छे अच्छे काम किए थे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ने एजुकेशन के ऊपर लाइक यहाँ पर आप देख सकते हो नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन बेस्ड ऑन बेसिक वैल्यूज यानी बुनियादी मूल्यों पर आधारित थी चाइल्ड सेंटर अप्रोच की बात की यहाँ पर और नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का एक क्लियर एम था जो कि हमने स्टार्टिंग की स्लाइड में डिस्कस किया था कि सभी को इक्वल रूप से एजुकेशन मिले और कोई भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो डिस्रलाइजेशन की बात की डिसेंट्रलाइजेशन को हिंदी में विकेंद्रीकरण कहते हैं और इसका मतलब होता है कि सभी लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड कराना वो भले ही पंचायत लेवल हो डिस्ट्रिक्ट लेवल हो ब्लॉक लेवल हो सभी लेवल पर एजुकेशन प्रोवाइड कराना फिर आता है नेशनल यूनिटी नेशनल लेवल की अचीवमेंट्स की बात की इक्वेलिटी एजुकेशन की बात की अपॉर्चुनिटीज की बात की ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जो की हम टीचिंग लर्निंग मटेरियल के लिए इंपॉर्टेंट था एजुकेशन ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की वजह से ही जो हम देखते हैं कितने सारे स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड लगाए गए वरना पहले सभी स्कूल्स में ब्लैक बोर्ड नहीं हुआ करते थे नेक्स्ट है टीचर्स एंड टीचर एजुकेशन टीचर्स के एजुकेशन की भी बात की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने की बात की एंड लास्ट है अपॉर्चुनिटीज फॉर हायर एजुकेशन नेक्स्ट एंड लास्ट स्लाइड है लिमिटेशन ऑफ द पॉलिसी यहाँ पर हम डायरेक्ट डीमेरिट तो बिल्कुल नहीं कहेंगे कि इस पॉलिसी की हानियां क्या थी या फिर बुराई या डीमेरिट क्या थी हम लिमिटेशन कह सकते हैं लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि ठीक है आपने कोई पॉलिसी बनाई है कुछ ना कुछ कमी तो हरे में में रहती है है इंसान हो हो या कुछ भी हो, तो limitations का मतलब है कि कि कौन-कौन सी कमियां रही थी National Education Policy में. First, neglecting the school concept. एक school concept हुआ करता था जो कोठारी ने सबसे पहले recommendation दिया था तो यहाँ पर नेबरहुड स्कूलैक्ट किया गया फिर आता है साइलेंस ओवर पब्लिक स्कूल एंड कमर्शलाइजेशन यानी जो पब्लिक स्कूल थे आ, वो किस तरह से अपनी फीस को बढ़ाते हैं घटाते हैं कितनी रखते हैं तो इसके ऊपर गवर्नमेंट ने एकदम से जिसे बोलते हैं इसके ऊपर कुछ बात नहीं की इस पर साइलेंस रही नेक्स्ट है मच एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द कम्युनिटी हेल्प आप कम्युनिटी हेल्प में लाइक like हम बोल सकते हैं अलग अलग कम्युनिटीज होती है लाइक like एनजी होते हैं या फिर जो गवर्नमेंट की अलग अलग जहाँ से उनको फाइनेंस हेल्प मिलती है फाइनेंशियल तो कुछ ज्यादा ही एक्सपेक्टेशन की गई बेसिक एजुकेशन इज़ नेगलेक्टेड बेसिक एजुकेशन को नेगलेक्ट किया गया ज्यादातर यहाँ पर बात की गई विमेन एजुकेशन की या फिर जो इक्वेलिटी एजुकेशन की बात की यहाँ पर बेसिक या फिर फाउंडेशन एजुकेशन को इतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं दी गई नेक्स्ट आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑथोरिटीज इन एजुकेशन है यहाँ पर बात तो बहुत सारी अथॉरिटीज की कर दी ये हम ईसीसी मतलब ईसीसी सी करेंगे इस लेवल पर वो करेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर करेंगे पंचायत लेवल पर करेंगे बट किसी भी लेवल को इन्होंने डिफाइन नहीं किया कि कौन कितना हद तक अपना इन्वॉल्वमेंट कर सकता है तो इसको डिस्क्राइब नहीं किया गया तो ये थी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की लिमिटेशन सो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो Yo me...